दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। देश में कोरोना के मामले 1,91,000 को पार कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में लॉकडाउन 5 भी लागू हो गया है। दोस्तों, हालांकि इस बार लॉकडाउन में काफ़ी सारी रियायतें लोगों को दी गई है। दुकानें, ऑफिस खोलने की इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, खेलों की अगर बात करें तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सिर्फ खिलाड़ी और कोच ही वहां जाकर ट्रेनिंग कर सकेंगे। फैंस को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, स्टेडियम खोलने की अनुमति देने से अब इस बात का आइडिया लगा रहे हैं कि आईपीएल का आयोजन कब हो सकता है। दोस्तों, हालांकि बीसीसीआई ने अभी कोई जल्दबाजी करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, अगर आईपीएल की बात करें तो इसका आयोजन उन जगहों पर कराया जा सकता है जहां कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे कम रहा हो। दोस्तों, ऐसे 2-3 जगहों का चुनाव करके वहां पर सारे मैच खेले जा सकते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा नहीं आए हैं और आने वाले दिनों में वहां हालात पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए उन जगहों पर बिना फैंस के आईपीएल के आयोजन पर विचार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो 4 शहर कौन कौन से हैं जहां कोरोना के मामले काफी कम है और वहां पर आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 गुवाहाटी की। दोस्तों, असम में कोरोना के मामले काफी कम है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार असम में कोरोना के सिर्फ 1185 ही मामले सामने आए हैं और वहीं गुवाहाटी में काफी कम केसेस भी है। दोस्तों, इसलिए वहां पर आईपीएल मैचों का आयोजन कराया जा सकता है। इससे पहले भी गुवाहाटी में कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो चुका है, इसलिए आईपीएल मैचों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 देहरादून की। दोस्तों, उत्तराखंड में भी कोरोना के काफी कम मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार यहां पर 749 के करीब कोरोना के मामले हैं और दोस्तों वहीं बात अगर देहरादून की करें तो यहां पर कुल 46 केसेस हैं। इसलिए उत्तराखंड में आईपीएल का आयोजन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले भी देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कई अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं। यहाँ पर स्टेडियम अभी नया बना है और यह शहर से बाहर भी है, इसलिए खिलाड़ियों की पूरी सेफ्टी भी रहेगी। अफगानिस्तान की टीम अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच इस मैदान में खेलती है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 रायपुर की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आईपीएल के मैचों का आयोजन एक बढ़िया विकल्प है। यहाँ पहले भी आईपीएल मैचों का आयोजन हो चुका है, इसलिए कोरोना महामारी के बीच इस शहर में भी आईपीएल का आयोजन कराया जा सकता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 447 मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं अगर बात राजधानी रायपुर की करें तो यहां पर सिर्फ 5 ही मामले हैं। ऐसे में ये राज्य कोरोना के सबसे कम मामलों वाले राज्यों में से एक है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 धर्मशाला की। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के काफ़ी कम मामले आए हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक हिमाचल में कोरोना के सिर्फ 313 मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का मैदान है, पहाड़ों के बीच इस स्टेडियम की खूबसूरती देखते ही बनती है और दोस्तों यहां पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेले जा चुके हैं, इसलिए यहां पर भी आईपीएल के मैचों का आयोजन हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।